हेलो फ्रेंड, एक इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं अनूप। आज हम बनाने वाले हैं सैमसंग का, आप देख सकते हैं पीसीबी है, विंडो एसी का पीसीबी है। ये ऑन नहीं हो रहा है तो इसको हम खोल लिए हैं। इसमें फिट था, इसमें फिट था, हम इसमें से खोल लिए हैं। अब इसको हम चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ये जेक हम लगा लेते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपको समझ में आएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे सभी वीडियो आपको मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो अभी हम इसमें पावर देंगे। तो पावर देने के लिए हमको एक तो रिले में कनेक्शन होता है और एक इसमें न्यूट्रल देना होता है। तो न्यूट्रल कौन सा है पता नहीं चल रहा है, या तो स्विंग का है तो स्विंग में एक कोई पॉइंट न्यूट्रल होगा। तो हम यहाँ जॉइंट कर लेते हैं इसको फिलहाल। इसका जो है पावर, ये इस पावर सप्लाई में घुस रहा है तो लाइन न्यूट्रल यही वाला होगा। तो एक पावर तो यहाँ से दे दिया, अब न्यूट्रल एक इसमें होगा कोई। तो अभी हम लाइन दे करके चेक करते हैं न्यूट्रल किस में सामने से नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ जेक से चेक करते हैं बैक साइड से। अब देख सकते हैं इससे ऑन हो रहा है, तब इसमें हम सोल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं सामने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है। सोल्डिंग आयरन गर्म हो गया, अब तार को सोल्डिंग कर लेते हैं। अभी तार सोल्डिंग हो गया, अब इसको हम पीसीबी को सीधा कर लेंगे। देख सकते हैं आप, एक रिले में रखे हैं और एक इसका न्यूट्रल के लिए यहाँ से कनेक्ट किए हैं। अब इसको सीधा कर लेते हैं, अब इसको पावर दे के देखते हैं। बीप से आवाज़ आया, लेकिन यहाँ डिस्प्ले ऑन नहीं हुआ। ये टच वाला है, हमको लग रहा है इसका बटन का प्रॉब्लम होगा। एक बार मेम्ब्रेन निकाल के इसका सफाई करके देखेंगे ये जो है। तो पहले क्लियर कर लेते हैं इसको, पूरा थिनर से साफ करके एक बार फिर से लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो पावर ऑफ कर लेते हैं। तो सारा स्क्रू खोल के पहले पीसीबी बाहर करते हैं, देखते हैं। देख सकते हैं आप, इसमें पूरा कार्बन हुआ है। इसको पहले सफाई नहीं करेंगे तो काम नहीं करेगा। पहले सबसे पहले इसको सफाई करना होगा। और ये मेम्ब्रेन को निकाल लेते हैं।
ये देख सकते हैं, यहाँ भी पूरा गंदा हो गया है, जला जैसा हुआ। इसको भी साफ़ करके अच्छा से लगाना होगा। तो सबसे पहले हम इसको थिनर से पूरा दोनों को क्लीनिंग कर लेंगे। अब इसका क्लीनिंग कर दिए हम, देख सकते हैं आप पूरा क्लीन है। ये भी इसको कर दिए हैं, अब इसको लगा करके एक बार ट्राई करते हैं, काम किया तो ठीक है। देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें अब पावर दे दिए हैं, इसमें कोई बटन काम नहीं कर रहा क्योंकि ये टच मेम्ब्रेन ख़राब हो गया। इसका रिमोट काम कर रहा, तो रिमोट से ऑन करने से हो जा रहा ऑन। तो इसका मेम्ब्रेन जो है ये ख़राब हो चुका है, अभी रिमोट से यूज करना होगा, नहीं तो मेम्ब्रेन के जगह में स्विच, अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट होगा तो स्विच भी लगाया जा सकता है। तो फिलहाल हम इतना ही, अगर स्विच लगाएंगे हम अगला वीडियो बना देंगे, नहीं तो ये बन चुका है। इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेन प्रॉब्लम था वो कार्बन सब जो आया था जिसके कारण ऑन भी नहीं ले रहा था। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ये सैमसंग का विंडो एसी का पीसीबी था।